subscribe to our channel SinTV HD Cooking Show and press the bell icon for the latest updates. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां शेफ फैसल तां दी सुपर कुकिंग शो। उम्मीद है सब खैरियत से होंदा। रेसिपीज तमाम सुठी हो जेको तांके ठाइन सिखारियो ठाइयो बे होंदियो ऐं घर में एंजॉय भी कंदा होंदा खादा ठाई। अजो की जेका रेसिपी ठाइंदा सी वो ठाइंदा सी शारजा कुकिंग ऑयल सां गॾु विटामिन ए ऐं डी का भरपूर लो कोलेस्ट्रॉल ऑयल ऐं ओमेगा थ्री मौजूदु आहे। बनस्पति घी तमाम बहितरीन। NX असां सां गॾु आहे। NX जी ब्रांड तमामु बहितरीन आहे, जेको हर घर जी ज़रूरत आहे, ख़ासिकर किचन में। अधीन खे ज़रूरत पवंदी आहे मशीनरी जी, त NX में जूसर, ब्लैंडर, चॉपर, हैंड बीटर वग़ैरह सभु उनमें अवेलेबल आहिनि। ऐं NX जो माइक्रोवेव ओवन भी तव्हां वठी सघो था। जो की रेसिपी ठाहियूं पिया, करेला ठाहींदासीं। वेजिटेबल्स तमामु सुठियूं लॻंदियूं आहिनि, डिफरेंट तरीक़े जूं तव्हांखे ठाहिण सेखारियूं आहिनि। त ॾही वारा करेला ठाहींदासीं। करेला त बिल्कुलु सिंपल ई ठहंदा आहिनि, लेकिन ॾही वारा करेला मज़ेदार ही रेसिपी आहे। अंगारा चिकन, चिकन जी हिकु वैरायटी आहे अंगारा चिकन, इहा बि ॾाढी ज़बरदस्त हिकिड़ी मज़ेदार रेसिपी आहे। दावत में बि ठाही सघो था, पंहिंजे लाइ बि ठाही सघो था। त इहे रेसिपी सुभाणे 12 वॻे रिपीट हलंदियूं। कुकिंग विद शेफ एसएम जो पेज आहे, उते रेसिपी अपलोड बि थी वेंदी आहे। ऐं वीडियो ॾिसण लाइ सर्च कंदा कयो यूट्यूब ते कुकिंग विद फैसल, सब्सक्राइब कंदव त हुते तव्हांखे सॼियूं रेसिपीज़ अपडेट मिलंदियूं रहंदियूं। ऐं स्क्रीन ते नंबर हले पियो, तव्हांखे का बि फरमाइश करणी हुजे त टीवी ते नंबर हलंदो, स्क्रीन ते कॉल करे पुछी सघो था। आज की जो हम रेसिपी बनाएंगे, शारजा कुकिंग ऑयल के साथ विटामिन ए ई और डी से भरपूर लो कोलेस्ट्रॉल ऑयल है, ओमेगा 3 मौजूद है, बनस्पति घी बेहतरीन, जिसमें मीठे बनाएं और खासकर पराठे बनते हैं, हलवे बनते हैं, तो हम बनस्पति घी का इंतखाब करते हैं। NX हमारे साथ है। NX में जूसर, ब्लेंडर, चॉपर हर घर की ज़रूरत है। आप NX लें, इसमें माइक्रोवेव ओवन भी बेहतरीन है, जिसमें आप बेकिंग कर सकते हैं। आज की जो मैं रेसिपी बना रहा हूँ, अंगारा चिकन, चिकन में बड़ी ज़बरदस्त वैरायटीज़ होती हैं, बहुत ही वैरायटी है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट नाम है, बनाते रहते हैं, काफ़ी अरसे से बनाते भी आ रहे हैं, आपको मज़ेदार रेसिपीज़ खिला रहे हैं। अंगारा चिकन आप दावत जैसे आती है या घर में अपने लिए भी बना सकते हैं, वीकेंड्स में बना सकते हैं। उसके साथ करेलों की रेसिपी बना रहा हूँ। करेले डिफरेंट किस्म के बनते हैं, दही वाले करेले बनाना सिखा रहा हूँ। दोनों रेसिपीज़ कल 12 बजे रिपीट चलेंगी। कुकिंग विद शेफ एसएम मेरा पेज है, वहाँ पे रेसिपीज़ अपलोड हो जाती है, वहाँ मैसेज भी कर सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर चल रहा है। कोई फरमाइश करनी हो, कुछ पूछना, आप कॉल करके पूछ सकते हैं। किचन में चलेंगे और रेसिपी करेंगे स्टार्ट। सबसे पहले हम करेंगे अंगारा चिकन की रेसिपी स्टार्ट, क्योंकि उसमें हमने चिकन को मैरिनेट भी करना है। मैरिनेट करके फिर हमने इसे पकाना है तकरीबन 25 से 30 मिनट, उस दौरान फिर हम करेले बनाएंगे, ठीक है। अंगारा चिकन के लिए 1/2 किलो से 3 पाव की चिकन की रेसिपी बना रहा हूँ। अगर आप 1 किलो की बनाएंगी तो सब चीज़ें उसमें डबल हो जाएंगी, ठीक है। एक बॉल लेंगे, उसमें हम करेंगे चिकन को मैरिनेट, ठीक है। अंगारा चिकन नालो भी ईअं ही आहे, जॾहिं तव्हां लिखंदा आहियो पन्ने जे मथां या रजिस्टर या कॉपी ठहे, त चिकन जो या बीफ जी का भी वैरायटी जो जेको नालो हूंदो, हुन ई नाले सां हुनखे ठाहींदा कयो। कॾहिं गेस्ट जे साम्हूं बि, कॾहिं घर में बि ठाहींदा आहियो, त हीअं न आहे की बसि चिकन जी भाॼी ठाहियूं पिया, चिकन जी भाॼी ठाहियूं पिया। इहो आहे की अंगारा चिकन आहे त अंगारा चिकन आहे, चिकन दही वारी, चिकन फ्राई, हर शइ जो अलॻि अलॻि नालो हूंदो आहे, ताकी रेसिपी जो फ्लेवर भी अलॻि हूंदो आहे। इधर हमने ले लेनी है 1/2 किलो से 3 पाव जितनी, में हमें 600 ग्राम के करीब लग रही मुझे चिकन, ठीक है। और चिकन को हम करेंगे मैरिनेट, मैरिनेट करके हम रखेंगे। इसमें देगी लाल मिर्च का इस्तेमाल होगा। देगी लाल मिर्च हमेशा कहता हूँ लेके रख लिया करें, 1 पाव जितनी लेके रख लें। काफ़ी ऐसे खाने, खासकर जब हम निहारी भी बनाते हैं या देगी कोरमा बनाते हैं, सालन गोश्त का बनाते हैं, तो देगी लाल मिर्च अगर डालें तो इससे कलर बहुत अच्छा आता है। फीकी होती है, बिल्कुल लाइट सा इसका फ्लेवर होता है, जस्ट कलर देने के लिए होती है, ठीक है। देगी लाल मिर्च नहीं तो कश्मीरी लाल मिर्च सूखी वाली लंबे साइज़ की मिलती हैं, इतनी लंबी होती हैं, वो पानी में भिगो के रखें 15 मिनट गर्म पानी में, फिर उसका पेस्ट बना के वो भी आप डाल सकते हैं, उससे भी कलर आता है, फ्लेवर बहुत अच्छा सा एक डिफरेंट फ्लेवर होता है, ठीक है। देगी गाढ़ा मिर्च तव्हांखे चवंदो आहे, कश्मीरी गाढ़े मिर्चनि जो पाउडर, अगर तव्हांजे इलाइक़े में नथो मिले, कराची, हैदराबाद, सखर वग़ैरह में मिलंदो आहे, वॾे स्टोर्स में मिलंदो आहे, इहो वठी रखी छॾियो। यूसेज इन जी काफ़ी हूंदी आहे, काफ़ी वैरायटी में। अगर इहो न आहे त कश्मीरी ॻाढ़ा मिर्च हेॾा वॾा मिलंदा आहिनि, सुकल हूंदा आहिनि, ठीकु आहे, ड्राई मिलंदा आहिनि, फिका हूंदा आहिनि, उनखे पाणी में पिसाइबो आहे, गरम पाणी में 10 मिंट पिसाइण खां पोइ, या बॉयल करे छॾियो, हिकिड़े 2 मिंट बॉयल करण खां पोइ उनखे थधो करे उनखे पीसे उहो बि विझी सघो था, छाकाणि त उनमें कलर ॾाढो सुठो ईंदो आहे, ऐं फ्लेवर तेज़ी न हूंदी आहे, बसि फिका हूंदा आहिनि, लेकिन फ्लेवर हिकिड़ो डिफरेंट हूंदो आहे। अब यहाँ पे इसमें हम डालेंगे 1 खाने का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, जिसे देगी लाल मिर्च कहते हैं, ठीक है। ये हम डालेंगे 1 टेबल स्पून, इससे जस्ट कलर आएगा। 1 टेबल स्पून मैंने पूरा भर के इसमें डाल दिया, ठीक है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी, खुश्क मेथी,
कसूरी मेथी विझंदासीं अधु चांहि जो चमचो हथ सां भोरे विझिजो ठीकु आहे हा आधा चांहि का चमच हाथ से मसल के आधा चांहि का चमच कसूरी मेथी डाल दिए ठीक है। ब्राउन प्याज पहले से यूज़ बना हुआ पड़ा होता है मेरे पास, आप एक बड़ा प्याज लें उसको ब्राउन करके ठंडा करें ठीक है, फिर आपने ब्राउन प्याज इसमें डालना है ठीक है। एक बड़ा प्याज था ब्राउन, ये इसमें एक चला गया ठीक है। एक वड़ी गंढ बसर जी उनके गाढ़ो करी वठजो ऐं इहो अगरि तव्हांखे वधीक यूज़ेज में आहे त वधीक बल्क में ॿ टे चारि किलो बॉयल ब्राउन करे थधो करे रखी छॾियो तव्हांखे कमु ईंदो ठीकु आहे। ब्राउन प्याज चला गया इसमें, एक बड़ा प्याज था हाफ़ कप जितना बन गया ठीक है। ये डालने के बाद आप इसमें डालेंगे टमाटर का पेस्ट, टमाटर प्यूरी, इस दो बड़े टमाटर इसको हमने बॉयल करना है 2 से 3 मिनट, उसके बाद ठंडा करके निकाल के इसका छिलका हटा के और इसको ब्लेंडर में जूसर में डाल के आपने इसका पेस्ट बना लेना है ठीक है। ये हम डालेंगे हाफ कप जितना, ब टमाटा गाढ़ा खणंदो उनके बॉयल कजो, 2 मिनट पानी में जोश इंदो बॉयल थिंदो थदो करे कढ़ी वठजो, थदो कजो छिलको उनजो खल सजी हटाई पोइ उनके जूसर मशीन में पीसे वठजो। इहो असां विझंदासीं में अधु कप ठीक है, हाफ कप चला गया ये। अब इसमें डालेंगे दही, दही हम कितना डालेंगे, इसमें डालेंगे हाफ कप ठीक है, हाफ कप इसमें दही जाएगी, आधा पाव अध पा दही विंदी बगैर पानी जे दही इन अंदर विझो ठीक है, अध पा दही हली वही बगैर पानी जे। हाँ इनमें विंदी हेड पीठल, अब इसमें डालेंगे पिसी हुई हल्दी, हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून ठीक है, और इसके साथ में इसमें क्या डालूँ, नमक आधा चाय के चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा, अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा एक खाने का चम्मच भर के, इस तरह फुल भर के एक खाने का चम्मच ठीक है, जिंजर गार्लिक पेस्ट एक खाने का चम्मच, पीठल हेड विधि। हाँ मैं जी रेसिपी भी रिपीट कराया तो इसे चंगी तरह मिक्स किया, तो रेसिपी रिपीट करा रहा हूँ, अंगारा चिकन बन रही है, इसके लिए हमने चिकन लेनी 3 पाव आधा किलो से 3 पाव जितनी, इसमें कश्मीरी लाल मिर्च या देगी लाल मिर्च जो पाउडर होता है वो एक खाने का चम्मच डाला, अगर देगी लाल मिर्च नहीं है बड़ी जो कश्मीरी लाल मिर्च आती है उस दो ले लें सूखी वाली, उसको गर्म पानी में डिप करके 15-20 मिनट रखें या एक बॉयल दे दें थोड़े पानी में, पानी से निकाल के उसको पेस्ट बना के वो आप इसमें डाल दें, इससे कलर बहुत अच्छा आता है ठीक है। अदरक लहसुन का पेस्ट एक खाने का चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच डाल दिया, दही इसमें चला गया आधा कप यानी आधा पाव, 2 टमाटर का पेस्ट डाल दिया, 2 टमाटर को बॉयल करके छिलका हटा के इसका पेस्ट डाल दिया था पीस के, सॉरी कसूरी मेथी खुश्क मेथी इसमें डाल दी थी मैंने कितनी हाफ टी स्पून, और प्याज ब्राउन इसमें एक बड़ा प्याज ब्राउन करके हाफ कप जितना या 1/4 कप आपने वो डाल दिया, इसको मैरिनेट करके आपने साइड में रख देना है। इन जी रेसिपी रिपीट कराएं तो आई गड गड असा इन में करो मसालो ठाइंदासी। अब क्या करेंगे, फ्राइंग पैन लेते हैं ठीक है, रेसिपी वरी रिपीट कराएं तो अंगारा चिकन ला असा अध किलो का ट्रे पा जडी चिकन खई नॉर्मल कटिंग थियल है, ब्राउन बसर गाढ़ो कयल उनमें अध मुनो कप विझंदासी ठीक है, अध पा दही बगैर पानी जे दही खुश्क हुजण खपे वो विझंदो, 2 टमाटा बॉयल कजो 2 मिंट छाणी में कढ़ी वठजो थदा थियन छिलको हटाए उनके पीसे भी छजो, अदरक थूम जो पेस्ट एक खाण जो चमचो, कसूरी मेथी अध चाय जो चमचो, हेड पिठल अध चाय जो चमचो, लूण अध चाय जो चमचो, कश्मीरी गाढ़ा मिर्च देगी गाढ़े मिर्चन जो पाउडर वो है एक खाण जो चमचो, आई अगर कश्मीरी गाढ़ा मिर्च देगी गाढ़ा मिर्च ना तो उनके बगैर भी ठही वो ठीक है, अगर आपके पास देगी लाल मिर्च नहीं है कश्मीरी लाल मिर्च नहीं तो उसके बगैर भी आप बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप उसकी वजह से बनाएं ना, और इसको मैरिनेट करके हमने रख दिया ठीक है। इनके मिक्स करे जिते फिलहाल रखी छोड़ो, इनमें एक मसालो वो फ्राइंग पैन गरम कंदासी, ही गौर सा डिजन में छाछा वेजा पियो, लौंगी मिर्च 8 अदद साबित लाल मिर्च, 1 बड़ी इलायची फ्राइंग पैन ते रख जो कैमरा, 1 बड़ी इलायची 4 छोटी इलायची ठीक है, दार चीनी 1 वड़ी डंडी आई इन सा गड असा विझंदासी लौंग इनमें 4 अदद ठीक है, ही गौर सा डिस जो छाछा वरी बुधाया पियो, 4 अदद लौंग, 4 अदद नंडा फोटा, 1 वड़ी इलायची 1 दारचीनी जी डंडी, 8 अदद लौंगी मिर्च ये विधा, अछो जीरो 1 चाय जो चमचो, कारा साबित मिर्च अध चाय जो चमचो, आई साबित धाणा 1 खाण जो चमचो ठीक है। दोबारा रिपीट करा रहा हूँ, ये मसाला स्पेशल इसका मसाला है, इसके लिए हमने क्या क्या लिया, साबित लाल मिर्च आपने लेनी है 8 अदद, साबित काली मिर्च लेनी है 15 दाने ले लें 12 से 15 दाने, साबित धनिया 1 खाने का चम्मच 1 टेबल स्पून, 1 अदद दारचीनी की बड़ी स्टिक तोड़ के डाल दिए, काली मिर्च साबित आधा चाय का चम्मच,
और उसके साथ अलावा बड़ी इलायची एक, छोटी इलायची चार और लौंग इसमें चार अदर डालिए। इसको रोस्ट कर रहा हूँ, रोस्ट करके इसको ग्राइंडर में पीस के इसमें मिला देंगे। बहुत ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है, बस आपने समझना है, ठीक है। और लिखते जाया करें जो जो चीज़ बता रहा होता हूँ, ठीक है। जेका शे तक बुधाई भी उनके लिखंदा के ताकि ताकि याद रहे। एनएक्स जे ग्राइंडर में इनके पीसंदासी, अच्छा सा रोस्ट हो जाए, खुशबू आने लगे, कलर चेंज हो रहा है मिर्चों का, सब चीज़ों की खुशबू निकल रही है, ठीक है। ये हो गया, अब ये सब चीज़ें ग्राइंडर में डाल देंगे रोस्ट करके, ठीक है। साबित लाल मिर्च 8 अदद, साबित काली मिर्च 12 से 15 अदद, साबित धनिया 1 खाने का चम्मच, लौंग 4 अदद, छोटी इलायची 4 अदद, बड़ी इलायची 1 अदद, दालचीनी की 1 स्टिक और 4 अदद लौंग, ठीक है। लौंगी मिर्च 8, साबित कारा मिर्च 12 का 15, उनके अलावा साबित धाणा 1 खाने जो चमचो, लौंग 4 अदद, नंढा फोटा 4 अदद, वडो फोटो 1, अछो 0.1 चाय जो चमचो, उन सा गड में इनमें छा विधो है दालचीनी की 1 डंडी, इनके ग्राइंडर में पीसे चलेंगे। जी कॉल बैठू था, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कहीं अच्छा हाल है? कहीं बिल्कुल ठीक ठाक। कह रहे हैं किथा गलायो पया? हां सदर मासो दा गलाया जी, सदर बाद मासो मोहम्मद मोहम्मद हुसैन अकबर सुनियो, कहां जी कहां के प्रोग्राम तां जो रेगुलर सिस्टम दो आया। मेहरबानी का फरमाइश करनी है, कुछ पूछणो है ताके? फरमाइश कियो करनी है के ता सना छो थी वया सांजी सेहत इलाही हनी थी वया मां पा इने जो अफसोस हो थे ता तो सेहत तो हुंदा वा मां पान घट गयो मां डाइटिंग कई है काफी मोटो थी वया ते इत सो ना छो सब गरी वया। हेलो ठीक है, के बाके मेहरबानी आले मोहम्मद जे सबके में आमीन आमीन जजाक अल्लाह। हां यो ता खुश है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच, ओके जी थैंक यू अल्लाह हाफिज़। हाँ कहसी इनके अस कहसी मैरिनेट, ठीक है। इसको अच्छा सा मैरिनेट करेंगे, हे सजो मसालो इनके अंदर वाली हो और इसको आपने आधा घंटा इस तरह रखना है। सारा मसाला भी इस पर चिपक गया, ठीक है। इस तरह चिपक जाए तो पानी वाला मसाला होगा, मीन्स के दही में पानी होगा तो वो फिर अच्छा नहीं बनेगा, ठीक है। डाढ़ी सुठी में खुशबू अचे पई, ये असो कंप्लीट थी है मैरिनेशन, ठीक है। मैं डिटेल में तक बुधा हाँ कहसी जो कढ़ाई में असें इनके ठाणो या पतीले में इनमें विजासी शारजा कुकिंग ऑयल 1/2 कप, ठीक है। हाफ कप तकरीबन 6 to 8 टेबल स्पून भर के, बहुत ज़्यादा भी ऑयल ना हो, हाफ कप काफ़ी होता है, 7 खाने के चम्मच अंदाजन बन जाएगा, ठीक है। इनमें विजासी शारजा कुकिंग ऑयल 1/2 कप, शारजा कुकिंग ऑयल में असो दाग ठाई बो मसालो में वो साबित इनमें विजासी लौंग। जी कॉल वो था, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो वालेकुम। वालेकुम सलाम, मुझे फैसल बात कर रही हूँ। जी जी फैसल बात कर रहा हूँ। अच्छा मुझे आपका शो में देखती रहती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम लोग हिंदी नहीं है तो अच्छा है आप उर्दू में भी रिपीट करते हो। बहुत बहुत शुक्रिया। आप कौन से सिटी से बात कर रही हैं? हम लोग कराची से बात कर रही हैं। थैंक यू थैंक यू। लाइक करते हैं प्रोग्राम, देखते हैं, कोई फरमाइश करनी है, कुछ पूछना है आपने? हाँ मुझे ये एक फरमाइश मुझे करनी है, एक रेसिपी की फरमाइश करनी है। बिल्कुल बिल्कुल कीजिए। मुझे आप ना चिकन कौरमा अच्छी तरीके से सिखा दे, मुझे चिकन कौरमा सही नहीं बनता। जो शादियों वाला कौरमा होता है जैसे? हाँ वो वाला नहीं बनता मेरे से। अच्छा ठीक है, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपको बनाना सिखा दूंगा, थर्सडे को या फ्राइडे को, ठीक है, जरूर देखिएगा। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा हिते शारजा कुकिंग ऑयल 1/2 कप गरम कयो, इनमें विजनासी 1 फोटो वडो, 4 अदद नंढा फोटा, ठीक है, 4 अदद लौंग। इसमें भगार में कुछ भी नहीं जाएगा, जस्ट
एक बड़ी इलायची, चार छोटी इलायची, चार अदद लौंग, ठीक है। हल्का सा इसमें से भगार बनेगा, उसके बाद क्या करेंगे, मैरिनेटेड हिकड़ो मिनट भी हो मैरिनेटेड चिकन जो है ये हम इसमें डाल देंगे, और ब्रेक का भी टाइम आ रहा है तो ये मैं आपको बता के फिर हम ब्रेक पे जाते हैं, ठीक है। जैसे इसका भगार आए, एक चार अदद लौंग, चार वडा नंढा पोटा, एक वडो पोटो, अध कप शारजा कुकिंग ऑयल हो, जेका ही चिकन आए मैरिनेट थियल, जडे जो दाग ठंडो खुशबू अची वही ऑयल में ये विझी सकंदासी, ठीक है। अब जब हमने भगार बनाया, चार लौंग, चार छोटी इलायची, एक बड़ी इलायची का भगार बना, हाफ कप शारजा कुकिंग ऑयल में मैरिनेटेड चिकन डाल दी, इसको मैं मिक्स करके कवर कर रहा हूँ, ब्रेक पे जा रहे हैं, ठीक है। 20 से 25 मिनट ये पकता रहेगा, इसमें कुछ भी हमने नहीं डालना है, ठीक है। मैम मिक्स किया तो वटू तक शॉर्ट ब्रेक, कवर किया तो ब्रेक का पहुँची कंटिन्यू करना से। दिल चाहे और क्या, शारजा, शारजा कुकिंग ऑयल, शारजा वनस्पति घी, विटामिन ए, ईआईडी का भरपूर है, लो कोलेस्ट्रॉल ऑयल, ओमेगा थ्री मौजूद है, हर जगह अवेलेबल है, मज़ेदार खादा दाएँ सामू ठाईंदा चुपे शारजा कुकिंग ऑयल सगर एनएक्स असा गड है। एनएक्स की ब्रांड तमाम बेहतरीन है, जैसे जूसर, ब्लेंडर, चॉपर, हैंड बीटर, हैंड मिक्सर, हर शे अवेलेबल है। एनएक्स जो खासकर ओवन, माइक्रोवेव तुम वी सोता, इनमें काफ़ी सारी वैरायटी है, तुम इनके ऐसी सोता। हाँ अंगारा चिकन असि इतने कवर कर रखी छोड़ो, अध प्याली में पानी विझो, मिक्स करने का आधा कप पानी डालना है इसका, मैं आपको दिखा देता हूँ ये लुक आएगा, ठीक है। अंगारा चिकन जब हमने डाल दी इसमें मिक्स हो गई, इसमें मैंने आधा दो मिनट चम्मच चला के फिर आधा कप सिर्फ पानी डाला है ताकि लेग पीस वगैरह जो होते हैं वो अंदर तक गल जाएं। अब इसको कवर करके आपने 20 मिनट छोड़ देना है, ये पकती रहेगी, गलने दें इसको, जब ये ड्राई होने लगेगा फिर आगे का प्रोसेस बताऊँगा। यहाँ पर करेले स्टार्ट करते हैं, दही वाला करेला, दही वाले करेले के लिए हमने लेना है करेला 3 पाव, छील के उसको नमक लगा लें, ठीक है। नमक लगा के अंदर के बीज निकाल दें, नमक थोड़ा लगा दें, एक चाय का चम्मच जितना या एक खाने का चम्मच जितना आपको अंदाजे से, उसको 15 मिनट रखें, उसके बाद ठंडे पानी से उसको वॉश करें, फिर इस तरह जूलियन स्टिक काटिए, आप चाहें तो गोल काटें, मुझे पर्सनली ये पसंद है स्टाइल, तो मैं इस तरह कटिंग की हुई है, ठीक है। करेला खणंदो 3 पाव, खले लाइंदो, बिज कढंदो, उनका उनके लूण लगाए रखो तक 15 मिनट, 10 खां 15 मिंट का पोन के थदे पानी से धोई वो चंगी तरह छाणी में रखो, पानी खुश्क थी वो उनका पोन जी कटिंग का जो कटिंग था नंढी भी करी सको था, मां इन तरी स्टिक में जूलियन कटिंग कई है, इनमें भला लगंदा इन पचाइण का, तो इन तरीके से कटिंग करण का पोए ऑयल गरम कयो, अध मुनो कप शारजा कुकिंग ऑयल गरम करे, उनमें करेला फ्राई करे छड़िया, करेला इतने पहली का फ्राई थेलन कढ़ी छड़िया, ठीक है। करेले हमने पहले से फ्राई करके निकलवा दिए थे, अब उसी ऑयल में हाफ कप पौना कप ऑयल लिया था, ठीक है, उसी हाफ कप ऑयल जो बचा हुआ है इसमें हम डालेंगे, जैसे 3 पाव आप करेला ले रहे हैं तो उसमें 1/2 किलो आपने प्याज डालना है, ठीक है, सॉरी 1.5 पाव प्याज डालना है, ठीक है। 1 किलो करेला है तो उसमें आपने 1/2 किलो से 2.5 पाव या 3 पाव तक करें, बहुत ज़्यादा लोग प्याज डाल देते हैं, बराबर के ना डाले करें, फिर करेले का जो फ्लेवर है वो ख़त्म हो जाता है, उसका जो जायका होता है, फिर प्याज की मिठास आ रही होती है, तो लेवल में बनाया करें। 4 बड़े प्याज थे दरमियाने साइज़ के, बड़े साइज़ के वो प्याज हैं, बारीक कटिंग किए हुए हाफ स्लाइस में, ये हम करेंगे ब्राउन, ठीक है, ये श्लिंग होके ब्राउन होके कम हो जाएंगे। इसको हमने तेज़ आँच पर फ्राई करना है प्याज को। अंगारा चिकन हमारी तैयार हो रही है, दही वाले करेले बन रहे हैं, डिफरेंट है तरीका, मज़ेदार बनते हैं ये। अच्छी तरह प्याज को हमने करना है फ्राई, 1/2 कप जितना ऑयल था जो जिसमें करेले फ्राई किए, 1/4 कप लेना ऑयल आपने, ताकि क्यों करेला भी ऑयल जस्ट करता है तो ऑयल की क्वांटिटी कम हो जाती है, और करेला जब क्रिस्पी गोल्डन फ्राई होने लगे फिर निकाल लिया करें, ठीक है। प्याज को हमने करना है फ्राई, बसर इतने फ्राई थे पियो, ऐं बसर जो जॾहिं कलर चेंज थींदो हिनमें असां छा विझंदासीं, सौंफ, हालांकि करेलनि में सौंफ न विझबाइनि, लेकिन हिनमें असां विझंदासीं 1 खाइण जो चमचो सौंफ, छाकाणि त हे करेला थोरा डिफरेंट आहिनि दही वारा करेला आहिनि, ठीकु आहे। इसमें सौंफ डलेंगे क्योंकि दही वाला करेला है तो सौंफ से फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा इसमें। अच्छा, प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, लाइट गोल्डन फ्राई करना है, ठीक है। जब तक प्याज हमारा फ्राई हो रहा है इसके साथ हम कटिंग कर लेते हैं हरी मिर्चें,
हरी मिर्च आप जिस स्टाइल में डालें इस तरह चार करके डाल दें। गोल कटलिंग, गोल इसलिए नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि गोल जब करेले की सब्ज़ी में मिर्च मिक्स हो जाता है, फिर आप खाएं तो मिर्चें बच्चों भी खा रहे होते हैं या आपको मिर्च नहीं पसंद है तो निवाले में आ जाता है, इस तरह के होते हैं, आप साइड में कर सकते हैं, नज़र आती है। कॉल बट होता है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं रुखसाना जदी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और आज दोनों चीज़ें ही, वैसे करेला और बहुत अच्छा है कि सब्जी भी और गोश्त भी है, जो कम्बिनेशन होता है अलग अलग, बल्कि अलग अलग ही अच्छा होता है, जिसको जो खाना है वो खा ले। बिल्कुल, और दोनों चीजें ही सेहत के हिसाब से बहुत अच्छी, बिल्कुल प्रोटीन भी है और मिनरल्स विटामिन हर चीज आ रही है जी। तो जैसे भी आप हाई कोयला चिकन बना रहे हैं तो वो एक जो होता है कोयला कढ़ाई होती है, क्या होता है वो जो जिसके अंदर कलर डालते हैं, रेड कलर पड़ता है, अंगारा, ये आप अंगारा बना रहे हैं वो कोयला कढ़ाई होती है? नहीं, अंगारा चिकन बन रही है, इसमें कलर तो नहीं डलता। देगी लाल मिर्च होती है, कश्मीरी लाल मिर्च, उसकी क्वांटिटी 1 टेबल स्पून भर के डाली है ताकि उससे कलर आएगा। अच्छा, क्योंकि वो जो कोयला कढ़ाई होती है वो शायद कलर उसमें वो जस्ट क्या होता है, रेड कलर की होती है? नहीं, वो क्या होता है उसमें फूड कलर बहुत से आपने रेस्टोरेंट में खाई है किसी? हाँ, वो असल में हर रेस्टोरेंट की अपनी वेरिएशन होती है ना, तो वो लोग क्या करते हैं कलर कोई डालते हैं कोई नहीं डालते, स्मोक देते हैं कोयले पे या अंगेठियाँ आजकल रखी हुई है रेस्टोरेंट में बाहर, तो उस पे बना रहे होते हैं ना, तो वो जस्ट कलर देने के लिए 1 पिंच 2 पिंच वो रेड फूड कलर डाल देते हैं, तो उससे उसका कलर आ जाता है रेडिश सा। जरूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, करेले कम ऑयल में ही कर रहा हूँ, ठीक है, प्याज कम ऑयल में फ्राई कर रहा हूँ, जो उसका हाफ कप से बच गया था, क्योंकि फिर करेले की सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा ऑयली हो जाएगी। ठीक है, बसर हाणे कलर चेंज करण लॻाइन, चङी तरह में स्पून हलाइण पियो, जॾहिं बसर तव्हां ब्राउन करण लॻंदा आहियो थोरो लूणु विझी छॾंदा कयो, हिनखां छा थींदो आहे पाणी खुश्क थी वेंदो आहे ऐं बसर जल्दी ब्राउन थींदो आहे। ठीक है, जब भी आपने प्याज ब्राउन करणा हूंदा, जब हाफ कलर चेंज होने लगे, प्याज का ब्राउनिश टोन में आने लगता है, डार्क सा पिंकिश खत्म कलर आने लगता है, 2 से 3 पिंच सॉल्ट डाल दिया करें, चंगी तरह के मिक्स करना से जी। कॉल बैठ होता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, पुछा तले सही है? बिल्कुल ठीक ठाक, तां बुधायो छा हालु आहे, तव्हांजी तबियत ठीक आहे? हा, अलाह सां शुक्र आहे, असां वटि ॾींहं जेको हॉस्पिटल में एडमिट हुयासीं, हफ़्तो ॾेढ असां सां न ॻाल्हाए सघियासीं। अलाह रहम कंदो, तबियत ठीकु आहे हाणे? तव्हांजी छा थियो? हा, बसि उहो किडनी जो मसलो। हा हा, तव्हांजो मसलो बि आहे, इनशाला सही थी वेंदा, असां सभिनी दुआ तव्हां सां गॾु आहे। वही मां सोचियो पियो, तव्हांजी कॉल बि इलाही ॾींहंनि खां न पई अचे न? हा, त वटि कल्ह वरी मूंखे इनशाला सही थी वेंदा, सभिनी जी दुआऊं तव्हां सां गॾु आहिनि। अंगारा चिकन ठाहियां पियो ऐं ॾही वारा करेला ठाहियां पियो। ज़रूरु ट्राई कजो, ज़रूरु ट्राई कजो, पंहिंजो कोर सारो ख़्यालु रखिजो, ठीकु आहे, दुआऊं आहिनि तव्हांजे लाइ। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। प्याज अच्छा सा नरम हो गया, कलर इसका चेंज होने लगा, अब इसमें डालेंगे सौंफ। सौंफ हम डालेंगे 1 खाने का चम्मच या 1.5 चाय का चम्मच, ठीक है, 1 टेबल स्पून सौंफ विधा आहिनि। सौंफ खाइण में फ्लेवर ॾाढो सुठो ईंदो, ज़रूरु ट्राई कजो, तव्हांखे डिफरेंट हिकिड़ो फ्लेवर लॻंदो सौंफ का। सौंफ जॾहिं बसर अधु ॻाढ़ो थी वियो, हाणे मां हिनमें सौंफ विधा आहिनि, ठीक है, जो हाफ प्याज ब्राउन हो गया, हाफ कलर हो गया इसका, बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है हमने, ठीक है। अब इसका कलर आप खुद ही देख रहे होंगे, इसमें मैंने सौंफ डाल दिया 1 खाने का चम्मच। सौंफ डालने के बाद इसमें मैं डाल दूंगा हरी मिर्चें 2 से 3 अदद कटिंग करके, ताकि हरी मिर्चों का फ्लेवर इसके अंदर आ जाए, ठीक है। कॉल बट होता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं मिसेस परवेज बोल रही हूँ कराची से। जी जी, क्या हाल है आपके? बस ठीक ठाक भाई, मुझे 3 सवाल करने हैं। बिल्कुल कीजिए। मुझे ये पूछना है कि गुड़ और ब्राउन शुगर में क्या फर्क है? ठीक है। दूसरा है कि क्रिस्पी नूडल्स बनाने के लिए जो अमेरिकन चॉप्सी होती है उसमें कौन सी नूडल्स लेना होता है और वो किस तरह से बनती है? ठीक है। अच्छा, और तीसरा सवाल है कि एक सेकंड, तीसरा सवाल ये है कि जीरा जो होता है ब्लैक काला जीरा जी जी और शाह जीरा जी, दोनों में क्या फर्क होता है?
ठीक है, मैं टीवी पे जा रही हूँ, आप मुझे रिप्लाई, ठीक है, मैं आपको बिल्कुल थोड़ी देर में बताता हूँ, ठीक है, ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, हरी मिर्च में थोड़ी देर में बता रहा हूँ ये तीनों आपके पॉइंट्स। अच्छा, ये हरी मिर्चों को हमने 7 स्पून चलाना है ताकि ये जले भी ना, जीरा सॉरी इसमें जो सौंफ डाला हुआ वो जले भी ना, और अच्छा सा इसमें फ्लेवर भी आ जाए प्याज में, ठीक है। हरी मिर्च देखें इस तरह मैंने डाली है, बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बना रहा हूँ, दही वाले करेले, ठीक है। जडे बसर हल्को गाढ़ो थियण लगंदो, उनमें सौंफ विदा 1 खाइण जो चमचो, विझी छो साफ़ करे विझो सौंफ के, ठीक है। पत्थर भी हूँ कदें कदें में, उनका जडे सौंफ की खुशबू अचान लगे तो सावा मिर्च में इनमें 3 खाया, उनके लंबाई में कटिंग करें, इनमें सावा मिर्च विदा मसलसल इनमें स्पून हलाया पे अनम उनमें कुछ ना ऐड करवा। हाँ जडे तुम दिसंदो इनको कलर तकरीबन 50% कलर चेंज थी वो है, इनमें विझंदी दरमियानी साइज जा 3 टमाटा या 2 वा टमाटा, ठीक है, ये हो गया। इसमें टमाटर डाला, टमाटर को आपने फ्राई करना, कवर नहीं करना क्योंकि फिर टमाटर प्याज हमारा बिल्कुल हलवा बन जाएगा, ठीक है। प्याज थोड़ा खड़ा खड़ा हो तो फिर वो अच्छा लगता है। टमाटर को इसी तरह फुल आंच पे फ्राई करेंगे, साथ साथ टमाटर नरम होने लगेगा, ठीक है। रेसिपी रिपीट कराएं पो, वरी करेला जो असा ठाएं दही वाले करेला ना, असा खणंदासी 1/2 कप ऑयल। करेला पहिरीं तव्हां कटिंग कंदो, कटिंग करे जो बिज कढी वठिजो, पोइ उनखे लूण लॻाइजो, खले हटाइण खां पोइ उनखे कटिंग करे लूण लॻाइजो, 15 मिंट लूण लॻाइण खां पोइ थधे पाणी खां धोई जी कटिंग पंहिंजे हिसाब सां कजो। मां जूलियन कटिंग कई आहे लंबा लंबा स्ट्रिक्स वांगुरु, ठीकु आहे। उनखां पोइ उनखे फ्राई कजो, 1/2 कप शारजा कुकिंग ऑयल खयो, हुनमें उनखे फ्राई कयो, फ्राई करे गोल्डन फ्राई करे मां हिनखे कढी छॾियो आहे, ठीकु आहे। हुनखे कढी छॾियो आहे, कढण खां पोइ हिन ई ऑयल में असां 3 गंढ बसर दरमियाने साइज़ जूं तकरीबन 3 पा करेला आहिनि त 1.5 पा जेतिरा बसर हुआ, ठीक आहे। बसर खे हल्को गाढ़ो थियणु लॻो, हुनमें सौंफ विधो आहे 1 खाइण जो चमचो, पोइ सावा मिर्च 3 अदद वॾा मोटा वारा सावा मिर्च खणी हुनखे लंबाई में कटिंग करे हिनजे अंदरि एड करे छॾियो आहे। सावा मिर्च एड करण खां पोइ जॾहिं साए मिर्चनि जो कलर चेंज थींदो, ख़ुशबू अचणु लॻंदी ऐं सौंफनि जी, हुनमें टमाटा विझी छॾिया, टमाटर विझी हुनमें मुसलसल स्पून हलाए पियो। हाणे छा कंदासीं, हिते असां हिन में विझंदासीं हेड 1 चांहि जो चमचो, पीठल ॻाढ़ा मिर्च विंदा हिन में 1/2 चांहि जो चमचो, ठीकु आहे। छाकाणि त कुटियल ॻाढ़ा मिर्च बि हिन में एड कयां पियो फ्लेवर ॾियण लाइ, 1/2 चांहि जो चमचो, ऐं सावा मिर्च आहिनि त मिर्चनि जो लेवल रखियो आहे, 1/2 चांहि जो चमचो लूणु, ठीकु है जी, वठां थो। टमाटर डाले 2 मिनट टमाटर जब नरम होने लगेंगे, फिर पिसी हुई लाल मिर्च 1/2 चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 चाय का चम्मच, नमक 1/2 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच डाली, इसको भून रहा हूँ। कॉल भी लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम। जी यदि कह रहे हैं कि तंग लाओ प्या जी जी मां दही वारा करेला ठाहे पियो, अंगारा चिकन ठाहे पियो। हेलो, कसूरी मेथी अलग हूंदी आहे, मेथी दाणो अलग हूंदो आहे। अच्छा, मेथी जा ई हूंदा आहिनि बिज, उहा मेथी खुश्क थियल हूंदी आहे कसूरी मेथी, ऐं मेथी दाणो जेको हूंदो आहे उहो मेथी जा बिज हूंदा आहिनि। जी जी बिल्कुल आसानी सां हर जॻह मिली वेंदा, पंसारी जी दुकान ते बि मिली वेंदा तव्हांखे। ताकि टुटनि ना, वरना माण्हू डबल रोटी विझंदा आहिनि, बेदा विझंदा आहिनि, कॉर्नफ्लोर विझंदो हुन खां टुटंदा न, तव्हांजा कबाब सुठा ठहंदा। बेसण न विझिजो, पोइ छा कजो की भुगड़ा हूंदा आहिनि न जेका उन छिलका हुनजा हटाई, जेका भुगड़ा असां खाईंदा आहियूं छिलको हुनजो हटाई, उहो 2 खाइण जा चमचा पीसे पाउडर ठाहे विझिजो। अगरि बेसण विझंदो त बेसण खे पहिरीं भुञणो आहे तए जे मथां, हुनजो कलर जॾहिं थोरो चेंज थींदो, ख़ुशबू अचे, कचोपन ख़तमु थिए, पोइ विझिजो, कचो बेसण न विझिजो, ठीकु आहे। ठीकु आहे जी, ओके जी, थैंक यू, अलाह हाफ़िज़। अच्छा ब्रेक पे जा रहे हैं, ठीक है। ब्रेक पे जाने से पहले करेले इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। ब्रेक से बनने का पहले करेला इनमें ऐड किया, करेले ऐड करके हम इसमें डाल देंगे दही 1/2 पाव। करेले डाले, दही डाल दी, ठीक है। करेला विदा, दही विदी, दही वाला करेला इन इस तरह दही डाल के इसको करेंगे मिक्स, मिक्स करके इसको दम पे लगा रहा हूँ, ठीक है। ब्रेक पे जा रहे हैं, हिकड़ी शॉर्ट ब्रेक वठूँ था। दही विदी इनके 2 मिंट पचाए, पर उनके 5 मिंट दम से रखंदासी, वठूँ था शॉर्ट ब्रेक, ब्रेक का पहुंची रेसिपी कंटिन्यू करूँ था।
दिल चाहे और क्या, शारजा, शारजा बनस्पति घी, शारजा कुकिंग ऑयल, विटामिन ए ए डी का भरपूर, लो कोलेस्ट्रॉल, ओमेगा 3 मौजूद है, बेहतरीन आई हिंसा गड एनएक्स असन सा गड एनएक्स हर घर जी जरूरत है। एनएक्स वठो पंजी जिंदगी आसान ठायो, खासकर किचन में हितिप करेला जिके मो दही विधि हुई, दही विझी करेलन में मिक्स कयो, इनके दम थे लगाई छोड़ो, ठीक है। दही डाल दी थी, करेले डाले, ठीक है। जब मसाला भुन गया, करेले डाल दिए, जब सब चीज़ ने नरम हो गई, फिर करेले डाल के आपने आधा पाव दही डाल देनी है, बीट नहीं करना है, दही को डायरेक्ट डाल के, और इसको मैंने कवर कर दिया 10 मिनट, इसको दम पे रखेंगे ड्राई हो जाएगा, नहीं चाहिए 10 मिनट कवर करके रखेंगे ड्राई हो जाएगा। और यहाँ पे आते हैं अंगारा चिकन को चेक करते हैं, चूल्हा बंद हो गया है, इसको ऑन करते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल तकरीबन तैयार है, बस इसका पानी जब ड्राई हो जाएगा, मैंने चूल्हा तेज़ कर दिया, ठीक है। इसका पानी जब ड्राई हो जाएगा, इसमें हमने स्मोक देना है। अच्छा, आपने क्वेश्चन किए थे ब्राउन शुगर और उसमें क्या फ़र्क है गुड़ में। गुड़ जो है वो देसी तरीके से होता है, गुड़ देसी तरीके से मीन्स के गन्ने का जो रस निकाल के उससे गुड़ बनाया जाता है, ठीक है। और जो ब्राउन शुगर होती है वो चीनी की तरह बनाई जाती है, ये फ़र्क होता है दोनों में, ठीक है। गुड़ जो होता है वो देसी तरीके से बनाया जाता है, गन्ने का रस होता है उससे वो प्रोसेस करके उसको बनाया जाता है, वो बड़े से डल्ले बन जाते हैं, बड़े बड़े पीसेस में होता है, और पाउडर शुगर भी बन जाते उसकी बना देते हैं वो। और जो ब्राउन शुगर है वो चीनी की तरह बनता, वो भी गन्ने के रस से ही है, लेकिन वो चीनी की तरह बनाया जाता है, तो ये फ़र्क होता है दोनों में, ठीक है। और दूसरा आपने क्या पूछा था कि चॉप सॉय कैसे बनते हैं, वो कंपनी का तो मैं नाम नहीं लूँगा, ब्रांड्स बहुत अच्छी अच्छी आजकल आई हुई हैं नूडल्स की, आप देखें किसी भी, आप कराची में तो बड़े स्टोर्स हैं, यहाँ पे जाके आप देख लें, वो एक ही नूडल्स होते हैं जो हम स्पेगेटी नूडल्स जो हम बनाते हैं उसी तरह उसको फ्राई करके बनाया जाता है। इंशाल्लाह मैं ये भी बनाना सिखाऊंगा, चॉप सॉय बहुत अच्छी डिश है, कोशिश करूंगा विद इन वीक आपको बनाना सिखाऊं अमेरिकन चॉप सॉय, ठीक है। थर्ड आपने क्वेश्चन किया था कि जीरे में और काले जीरे में क्या फ़र्क है। शाह ज़ीरा जो होता है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, एक तो ये है कि काला ज़ीरा बहुत ही सस्ता मिल जाता है। काला ज़ीरा हम करते हैं पुलाव वगैरह में या कुछ मीठे ऐसे बनते हैं उसमें यूज़ करते हैं। शाह ज़ीरा जो होता है वो ख़ास पुलाव के लिए होता है, एक वाइट ज़ीरा होता है, एक शाह ज़ीरा बिल्कुल बारीक और बारीक होता है, सफ़ेद ज़ीरा थोड़ा मोटा होता है, काला ज़ीरा भी मोटा होता है, ठीक है। इसमें यही डिफरेंस होता है, शाह ज़ीरे का अरोमा, शाह ज़ीरा आप थोड़ा भी डालेंगे तो बहुत ज़्यादा अरोमा आता है, ठीक है। ये तीन इसमें डिफरेंस हैं जी। कॉल बैठूँ था, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक। और वो आपकी जो कल बनाया ना सीख कबाब, बड़े अच्छे बने। हाँ, आपने पिक्चर भेजी है मुझे, बहुत अच्छी लग रही है, बने के बहुत बने, खत्म अच्छा। भी हो गए मेरे तो, माशाल्लाह इतने सारे बनाए थे मैंने अकेले अकेले खाली है ना कि पार्सल करवा दें, सिन टीवी के एड्रेस पे भेज देती। अरे तो आएंगे तो ले आएंगे बनाने, नहीं नहीं मजाक कर रहा हूँ, नहीं कोई मसला है, पता है मेरे लिए तो कोई मसला नहीं है नहीं नहीं कोई, बहुत बहुत शुक्रिया, मजाक करो तो आप बना के खाते हैं तो मुझे वही खुशी होती है बहुत ज्यादा कि आप लोग ट्राई करते हैं ना, और खासकर आप तो फौरन के फौरन, हमें भी आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि आप जी जी शुक्रिया बहुत बहुत, आप मतलब वो सिखाते हैं इतनी गर्मी में खड़े होकर और बार बार बता रहे हैं। गर्मी तो खैर यहाँ क्या होती है, गर्मी का तो एहसास चल रहा होता है लेकिन फिर भी हीट तो होती है। हाँ, हीट होती है, हीट होती है, सही लगातार की बात है, एसी लगा हुआ है वहाँ पे। हाँ ये तो है बिल्कुल। और आप कैसी हैं? और आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह सब अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ भी सब ठीक ठाक, घर में भी सब ठीक ठाक, चले अपना ख्याल रखें, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ये देखें करेले तकरीबन 4-6% आराम से खा सकते हैं, ठीक है। करेला 4-6 माण्हू आराम सां खाई सघनि था, फैमिली लाइ अगरि वधाए तव्हां ठाहींदो त हुनजे हिसाब सां तव्हां। अच्छा, आख़िर में थोरो सो गरम मसालो पाउडर जे मथां विझां पियो, जस्ट फ्लेवर लाइ, इलाही वधीक न, लाइट सो, चौथों चांहि जो चमचो गरम मसालो पाउडर, 1/4 teaspoon गरम मसाला पाउडर डाल दिया। इसका आप लुक देखें कितना ज़बरदस्त आ रहा है। इस तरह बनाएंगे दही वाले करेले, बिल्कुल मज़ेदार ये करेले, रोटी के साथ खाएं, चावल के साथ खाएं, चावल के साथ तो खैर अच्छे नहीं लगते लेकिन लोग बहुत खाते हुए देखा इस तरह, लेकिन ज़्यादातर घर की जो रोटी होती है सादी उसके साथ अच्छे लगते हैं। इंशाल्लाह कीमा करेले भी बनाएंगे, उसकी भी फरमाइश आई हुई है तो वो भी बनाने, और कीमा भरे करेले और कीमा करेले एक साथ ही बनाऊँगा ताकि दोनों का प्रोसेस तकरीबन सेम है। हे असांजा थी विया दही वारा करेला, ठीक है, दही वाला करेला तैयार हो गया। अब हम आते हैं अंगारा चिकन, अंगारा चिकन के लिए कोयला यहाँ पे रखना है, स्मोक देना है, अंगारा एक छोटा कोयला है, स्मोक इसको जला लेते हैं, इसका स्मोक बनेगा, वो स्मोक इसके अंदर देंगे। अब बल्कि इसको भी यहाँ शिफ्ट करता हूँ, पहले से ज़बरदस्त अंगारा चिकन असाई तैयार थी भैया। कल ये 12 बजे रिपीट चलेगा, कोई चीज़ मिस हो रही होती है तो आप लोग फिर वहाँ पर रिपीट में देखते, ठीक है। ये अभी
احاف کا پانی ڈالنے کا مقصد یہ تھا کہ اچھا سا چکن گل جائے, ٹینڈر نہیں ہوتا اندر سے. اکثر چکن جو ہڈی والا سوری لیگ پیس ہوتا ہے وہ کبھی کبھی کچا رہ جاتا ہے نا, تو اس وجہ سے میں نے ہاف کا پانی ڈالا ہے. ویسے اس میں ڈلتا نہیں ہے, میں پھر بھی ڈالا ہے. گرم مسالہ پاؤڈر نہیں جائے گا کیونکہ اس میں آلریڈی ہم نے جو مسالے پیس کے ڈالے ہیں ڈرائی روسٹ کر کے, وہ اسی کا اس میں فلیور آئے گا. ٹھیک ہے, کوئلو ہتے سے تیار تھی ہونے تو کوئلے جو اسموک دینا سی خالی بار ٹائم کیترو رہ جی ہو جی. ٹھیک ہے, ہی ریسیپی انشاءاللہ سبحانے بھی مزیدار ریسیپیز ہیں, سبحانے بھی ڈس جو پروگرام. ٹھیک ہے, تاہاں جی فرمائشو ہیں وہ بھی سب پانی جو ٹکر ہو جائے یا الومینیم فائل ہو جائے وہ رکھی چاہ جو. ٹھیک ہے, ایک چھوٹی کٹوری ہو اسٹیل کی یا فائل پیپر ہو یا روٹی کا پیس کچھ بھی نہیں ہے تو روٹی بڑی پیس یا بریڈ کا سلائس رکھ کے بھی کر سکتے ہیں, وہ بھی نہیں ہے تو پیاز کا بڑا چھلکا رکھ کے اس میں بھی ہم اسموک دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, چولہا میں نے اس لیے تیز کیا تھا تاکہ ڈرائی فارم میں آ جائے. یہ ہماری ہو گئی ڈن, اس طرح کا لک آئے گا انگارا چکن. ٹھیک ہے, اس طرح کا یہ ہو گیا. اس کا مسالہ دیکھیں, اس کی گریوی کتنی زبردست ہے, اس طرح کی گریوی بنے گی گاڑھی سی. ٹھیک ہے, یہ دعوتوں میں بھی آپ بنا سکتے ہیں, یہ عید آ رہی ہے عید میں بھی آپ بنا سکتے ہیں. انگارا بیف بھی بنتا ہے اسی طرح. ٹھیک ہے, بیف کو آپ نے پپیتے کا پیسٹ لگا, ابھی بتا دیتا ہوں آپ لوگ اگر بنانا چاہیں تو بیف کے لیے پپیتے کا پیسٹ آپ نے لگانا ہوگا. اگر گھر میں ویسے بنانا چاہیں بیف یا مٹن میں تو ایک کھانے کا چمچ پپیتے کا پیسٹ بھی اس میں ڈال کے میرینیٹ کر کے پھر آپ نے 2-3 گھنٹے رکھنا ہے, اس کے بعد سیم پروسیس سے بنائیں گے, گوشت فوراً گل جائے گا. ٹھیک ہے, بیف یا مٹن ہوگا وہ بھی انگارا, جیسے انگارا چکن ہے وہ انگارا گوشت کر دیجیے گا, انگارا مٹن ہوتا ہے اس طرح کا. تو یہ بالکل آہستہ آہستہ ان میں اسپون ہلائے گا تاکہ جو رہل پانی آئے دہی جو ٹماٹر جو وہ خشک تھی وے. ٹھیک ہے, یہ بالکل تیار تھی ویو, چولہو جو بند کروں تھا یہ اسانجو اسموک بھی تیار تھی ویو. کوئلو پیالی بالکل صاف ہونی چاہیے, اس کے اندر رکھ لیتے ہیں یا الومینیم فوائل رکھیں. کوئلہ ہمارا ہو گیا ریڈی, آئل کا ایک ڈراپ کسی چیز میں لے لیتا ہوں تاکہ اس کے اوپر ڈالنے میں ایزیلی ہم ڈال سکیں. ٹھیک ہے, بوٹل پڑی تو آپ چمچ میں ایک اسموک کے لیے ہلکا سا آئل لے لیجیے گا, تھوڑا سا 2-3 ڈراپ. کوئلہ بھی گاڑھو تھی گا رکھوں تھا. ٹھیک ہے, کوئلہ رکھا, ایک ہاتھ میں ہم نے پکڑنا ہے ڈھکن کیپ اس کا, آئل اس پہ ڈالیں اور یہ اس کو اسموک دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس کو ہم نے چھوڑ دینا ہے 5 منٹ. 5 منٹ میں اس میں بہت اچھا سا اروما آ جائے گا. ہری مرچیں کٹ کر کے رکھی ہوئی ہیں اس کے اوپر ڈالنے کے لیے, سیڈز اس کے نکال دیں تھوڑا اس طرح کر کے تاکہ اس کے بیج نکل جائیں. ہری مرچیں اور ادرک بس, کچھ بھی اس کے اوپر نہیں جائے گا, ہری مرچیں اور ادرک جائے گی. اور اس کو آپ وائٹ نان کے ساتھ پراٹھوں کے ساتھ آپ سرو کریں, مزیدار یہ ریسیپی ہے انگارا چکن. ٹھیک ہے, بار بار رپیٹ کرنے جو مقصد ہی ہوں ہے کہ تاہاں چنگی طرح لکھی سگا, کاش ہے تاہاں کا مس نہ تھی. ٹھیک ہے, بار بار اس لیے رپیٹ کراتا ہوں کہ آپ سے کوئی چیز مس نہ ہو. بار بار جو چیز آپ لکھتے جاتے تو بیچ کا پورشن چھوڑ دیا کریں, دوبارہ رپیٹ کراتا ہوں تو وہ آپ لکھ لیا کریں. کل کی ریسیپی بھی مزیدار ہے اس طرح, اس ویک میں کافی ساری ورائٹی میں نے ڈفرینٹ بنائی ہے. تو ان شاء اللہ کمنگ ویک میں پھر آپ لوگ کی فرمائش ہیں تو بریانی کی بہت فرمائش آ رہی تو بریانی بنائیں گے. ٹھیک ہے, اس کو آپ نے 5 منٹ دینا ہے اسموک, میرے پاس ٹائم اتنا نہیں تو میں اس لیے ہٹا رہا ہوں. آپ 5 منٹ اسموک دے کے پھر اس کو ہٹائیے گا. ٹھیک ہے, ہٹائی تھا چلو پیالی کے آرام سے کھڑی. اور جو کوئلہ ہوتا ہے اس کو پانی میں ڈپ کر کے پھر ٹھنڈا کر کے دوبارہ آپ لوگ رکھ دیا کریں, بعد میں آپ کو کام آ جائے گا. ٹھیک ہے, اس کو ہم کریں گے مکس کیونکہ اس میں بڑا زبردست انگارے کا فلیور آ گیا. انگارا چکن یہ وہ نہیں ہے وائی جو کڑھائی ہوتی ہے, کوئلہ کڑھائی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کا میتھڈ ہی الگ ہے, اس کا فلیور ہی الگ ہے, اس کے مسالے بھی ڈفرینٹ ہے. بہت ہی مزیدار یہ ریسیپی. بالکل ہنی طریقے سے ٹھائے جو. ٹھیک ہے, ہنی طریقے سے مسالو براؤن بسر پنجے گھر میں ٹھائے ایکڑے دفعہ رکھی چھڑو تاکہ 2 کلو بسر جو تاں ٹھائے رکھی چھندو خراب نہ تھی, سال ٹائم بھی پہ ہو جائے تو خراب نہ تھیندو, تھدو کرے ہن کرسپی کرے تاں رکھی چھڑو. تو براؤن بسر تمام سٹھی کرشی ہے جو تاں کے کافی کھادن میں یوز تھندی ہے. ٹھیک ہے, براؤن پیاز اب کر کے رکھ لے, مارکیٹ سے لینے سے بہتر اپنا خود بنایا کریں فریش. اب کیا کرتے ہیں, اس کو کلیئر کر کے اس کے اوپر آ جائے گی ہری مرچیں. بس ایک منٹ,
हरी मिर्चें डालेंगे, अदरक डालेंगे, कोई गर्म मसाला, कोई लेमन जूस, कोई ऊपर से ऐसी चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसका एक अपना ही फ्लेवर है, वो फिर बिल्कुल दब जाएगा। ठीक है, हाँ जी, मैं था सावा मिर्च थोड़ा भिजी था छूँ कट करे। ठीक है, हरी मिर्चें बहुत ज़्यादा नहीं, बीज निकाल के आपने हरी मिर्चें डालनी है, और अदरक बिल्कुल फाइन जूलियन कटिंग किया हुआ, इसके ऊपर बारीक से कटिंग करके इस तरह अदरक डाल दें। ये हमारा हो गया अंगारा चिकन रेडी। ठीक है, हमें तो टेबल थे जो कि ज़बरदस्त रेसिपी। करेला, करेला मुझे भी फेवरेट है, हर घर में मुझे हर में शौक़ सा खाया हुआ करेला, हर कोई शौक़ सा ॾाढो खाईंदो आहे करेला। त करेला जी वैरायटी हिन करे मैं अहिड़ी ठाही आहे ताकी हर कंहिंखे वणनि, सभु कोड़ा बि न हूंदा, ज़बरदस्त हिन में फ्लेवर हूंदो, डिफरेंट सो तव्हांखे लॻंदो। कल 12 बजे रिपीट चलेगा कुकिंग विद शेफ एसएम मेरा पेज, वहाँ रेसिपी अपलोड हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए सर्च करें सिंध टीवी HD कुकिंग शो, सिंध टीवी HD कुकिंग शो यूट्यूब पे सर्च करेंगी तो आपको वीडियोस मिल जाएंगी। सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबाएंगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेंगी। कल की रेसिपी देखिएगा, मज़ेदार रेसिपी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह सुभाणे तव्हां सां मुलाक़ात थींदी। सुभाणे 12 वॻे रिपीट हलंदो कुकिंग विद शेफ एसएम जो पेज आहे, फेसबुक ते मूंखे लाइक कजो, हुते रेसिपीज़ अपलोड थींदियूं आहिनि, को फरमाइश करणी हुजे त करे सघो था। वीडियो ॾिसण लाइ यूट्यूब ते सर्च कंदो कुकिंग विद फैसल सिंध टीवी HD। ठीक आहे, कुकिंग विद फैसल सिंध टीवी HD सर्च कंदो, हुनखे सब्सक्राइब कजो ॻाढ़े बटन खे, बेल आइकन जो नंढड़ी घंटी लॻल हूंदी आहे उनखे दॿाइजो त तव्हांखे लेटेस्ट सॼियूं रेसिपीज़ मिलंदियूं रहंदियूं। पंहिंजो खोड़ सारो ख़्यालु रखिजो, दुआनि में हथु रखिजो। इनशाला सुभाणे तव्हां सां मुलाक़ात थींदी। अलाह। हाणे कुकिंग विद फैसल जा तमाम शो ॾिसो HD क्वालिटी में। विज़िट करियो असांजो यूट्यूब चैनल सिंध टीवी HD कुकिंग शो।